अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हम अपने पे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट सेगमेंट क्या था? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन हम किसे कहते हैं? एन इक्वेशन is a statement that two algebraic expressions are equal। जी, इक्वेशन क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें अलजेब्रिक, जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं? फॉर एग्जांपल, फोर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 18। फोर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 18। एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है, और ये आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो जो जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हम लिखते हैं, उसको हम कहते हैं इक्वेशंस। उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस। जी, अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एन प्रोडक्ट और रूट्स ऑफ वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथम रिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑल वेरिएबल्स occurs only to the first power। power भी हम कहते हैं, degree भी कहते हैं। जी, linear equation कैसी equation होती है? ऐसी equation होती है इसमें ना तो products होते हैं, दो variable का ना तो product हो सकता है, ना roots हो सकता है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है इसमें, ना लॉगरिथमिक फंक्शन आ सकता है, और ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकता है, और सारे के सारे वेरिएबल्स की जो पावर है वो वन होती है, पावर टू नहीं होती। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री वन होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसको अगर हम ग्राफ पे ड्रा करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। ऐसी इक्वेशन जो एक स्ट्रेट लाइन बनाए, अगर हम उसको ग्राफ पे ड्रा करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाए, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन।
एक्स बाय टू माइनस वाई प्लस थ्री जी इज इक्वल टू वन। अब देखें पावर वन है, इसकी पावर वन है, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लॉगरिथम भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, किसी का किसी वेरिएबल का अंडर रूट नहीं है। तो ये दीज आर क्या है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। जी फॉलोइंग आर नॉट लीनियर। जी फॉलोइंग आर नॉट लीनियर, मैं लिखता हूँ कौन सी लीनियर नहीं है। एक्स प्लस थ्री वाई स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री या इसकी पावर टू है, तो ये लीनियर नहीं है। उसके बाद साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है। उसके बाद थ्री एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव, ये भी लीनियर नहीं है क्योंकि हमने कहा कि उसमें प्रोडक्ट भी नहीं होता, तो इसमें प्रोडक्ट आ गया है, तो ये भी लीनियर नहीं है। उसके बाद एक्स अंडर रूट प्लस टू वाई प्लस नाइन जी इज इक्वल टू वन, ये भी नहीं है लीनियर। क्यों लीनियर नहीं है? कि हमने कहा है कि अंडर रूट भी नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं होना चाहिए, और पावर भी वन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पावर वन होनी चाहिए। अगर टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, तो वो लीनियर नहीं है। अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तब भी वो लीनियर नहीं है। अगर प्रोडक्ट आ जाए तब भी वो लीनियर नहीं है। अगर अंडर रूट आ जाए किसी वेरिएबल का तब भी वो लीनियर नहीं है। तो ये सारी इक्वेशंस आर नॉट लीनियर। जी ये तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशंस इज ट्रू इज कॉल्ड solution of equation। variable की वो value जिसके लिए equation true हो जाए वो उस equation का solution होता है। कैसे true हो जाए, हम example देखते हैं। जी हमारे पास 4x माइनस वन इज इक्वल टू सेवन, फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सेवन। फॉर एक्स इज इक्वल टू टू, अगर हम एक्स की वैल्यू टू लें तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स की जगह टू माइनस वन इज इक्वल टू सेवन, एट माइनस वन इज इक्वल टू सेवन, सेवन इज इक्वल टू सेवन। तो ट्रू है कि एक्स की वैल्यू अगर हम दो लें तो ये हमारी इक्वेशन ट्रू है। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए हमारी इक्वेशन ट्रू हो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं उस इक्वेशन का। तो यहाँ पे हमारा एक्स इज इक्वल टू टू एक सॉल्यूशन है इक्वेशंस का। जी एवरी जी अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? अ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि अगर दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को हम एक सेट के फॉर्म में लिख देते हैं या हम लिख देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये क्या है? एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें दो इक्वेशंस हैं, इसमें तीन इक्वेशंस भी हो सकती हैं, चार इक्वेशंस भी हो सकती हैं, और ऐसे अगर हम ऐसे लिख दें तो इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज जीरो, वन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है या तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो होगा, या उसका सॉल्यूशन वन होगा, या उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी होंगे। कोई भी हम अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लें उसका या तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, या हम उसको जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं, या उसका वन सॉल्यूशन होगा, या उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस विद वन सॉल्यूशन। A linear equation, linear system with one solution. कि वन सॉल्यूशन का क्या मतलब है? हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हमने कहा था सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स वाई की वो वैल्यू जिसके लिए हमारी जो इक्वेशंस हैं वो ट्रू हो जाएं, कि एक्स और वाई की वो वैल्यू हम लें जो इधर पुट करें तो 1 के इक्वल आ जाएं, इधर पुट करें तो 6 के इक्वल आ जाएं, तो वो हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। हम कैसे निकालते हैं? हम इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को हम एलिमिनेट करते हैं। अगर हम ये हमारी इक्वेशन वन है, ये हमारी इक्वेशन टू है, अगर हम इक्वेशन वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन टू में ऐड कर दें, हम इक्वेशन वन को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और हम किस में ऐड करते हैं? इक्वेशन टू में। इक्वेशन टू क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये क्या होगा? ये -2 है तो 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? 4/3। y की वैल्यू हमारे पास 4/3 है। अब हम ये इक्वेशन वन में y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन वन।
जब हम क्वेश्चन वन में y की वैल्यू 4/3 पुट करेंगे तो x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 1, इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस 4/3 प्लस 4 7/3। तो अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 4/3 और x की वैल्यू क्या है 7/3। तो ये हमारा सलूशन है, हमने कहा वन सलूशन, ये x और y की सिर्फ एक एक वैल्यू आई है हमारे पास और इस एक एक वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वन सलूशन। अगर हम पुट करके देखें, अगर हम ये वैल्यू पुट करके देखें, क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, हमारी इक्वेशंस क्या हैं, x माइनस y इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू है हमारे पास 7/3 और y की वैल्यू क्या थी 4/3। हम पुट करके देखते हैं हमारी इक्वेशन में क्या ये सेटिस्फाई होती है, x की वैल्यू 7/3 माइनस y की वैल्यू 4/3 इज इक्वल टू 1, 3 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 3/3 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। अब हमने देखा कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो ट्रू हैं, एक्स की वैल्यू के, एक्स और वाई की दोनों वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू 7/3 वाई की वैल्यू 4/3 के लिए हमारी इक्वेशंस ट्रू हैं। तो ये हमारा सलूशन है, और ये कौन सा सलूशन है, एक सलूशन है कि हमने कहा कि या तो सलूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन एक होगा या इन्फाइनेट मैनी होंगे या ज़ीरो होगा या नो सोल्यूशन, ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन भी कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन। अगर हम इसको ग्राफिकल देखें तो वन सोल्यूशन के ग्राफिकल का क्या मतलब है, ये दोनों हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या बनाती हैं, लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। जब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन हैं ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी। अगर एक ही पॉइंट पे लीनियर इक्वेशंस कट करें तो उसका एक सॉल्यूशन होता है, उसको हम वन सॉल्यूशन कहते हैं। कैसे, ये हमारी इक्वेशंस क्या हैं, हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करके देखते हैं क्या वाकई ही ये दोनों इक्वेशंस से जो स्ट्रेट लाइंस बनती हैं वो एक ही पॉइंट को कट करती हैं, क्योंकि हमने तो कहा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तो ये दोनों लाइनों को एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए जी। हमारे पास हम इसको देखते हैं ग्राफिकली, एक इक्वेशन है हमारे पास वन, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x माइनस प्लस y इज इक्वल टू 6। हम इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं, ग्राफ पे कैसे ड्रा करते हैं, पहले हम इसको पॉइंट्स फाइंड करते हैं, क्या फॉर इक्वेशन वन वन, क्वेश्चन वन क्या है x माइनस y इज इक्वल टू 1, फॉर x इंटरसेप्ट आप ये पीछे पढ़ चुके हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, जब हम इसमें 0 पुट करेंगे y को तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, जब हम इस इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से हमें कौन से पॉइंट्स मिले, x के 0 और y का माइनस 1। जी हम अब फॉर सेकेंड इक्वेशन, फॉर इक्वेशन टू
इक्वेशन टू क्या था, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, फोर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, जब हम वाई को जीरो पुट करेंगे तो टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स और एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो यहां से हमें कौन से पॉइंट मिले, एक्स का थ्री वाई जीरो, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब हम एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो यहां से कौन से पॉइंट, एक्स का जीरो और वाई सिक्स। अब ये दोनों इक्वेशंस के लिए हमें मिल गए हैं, अब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करके देखते हैं। वन टू, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वन के लिहाज से, क्वेश्चन वन के लिहाज से एक पॉइंट हमारे पास आया वन और ज़ीरो, यहाँ एक्स वन है और वाई ज़ीरो है, यहाँ पे एक्स वन है और वाई ज़ीरो है। दूसरा हम देखते हैं एक्स ज़ीरो है और वाई माइनस वन है, यहाँ पे एक्स ज़ीरो है और वाई माइनस वन है, तो इन दोनों पॉइंट से हमारी लाइन गुजरेगी, ये है इक्वेशन वन की। इक्वेशन वन के लिहाज से जो लाइन बनी वो ये है। अब हम इक्वेशन टू के लिहाज से देखते हैं, क्या था, थ्री ज़ीरो एक पॉइंट ये है हमारे पास, ज़ीरो सिक्स एक पॉइंट ये है हमारे पास, तो अब इन दोनों पॉइंट से जो हमारी इक्वेशन गुजरेगी, जो लाइन हमारी गुजरेगी, ये इक्वेशन टू की लाइन है। अब ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक ही पॉइंट पे अगर कट कर रही हैं तो इसका सोल्यूशन वन है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। ये हम पीछे फाइंड करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके भी चेक कर चुके हैं कि एक ही सोल्यूशन है, यहाँ पे भी हमने इसको ग्राफिकली भी देखा कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एक ही पॉइंट पे ये कट करती हैं तो ये एक ही सोल्यूशन है। इसी तरह हम नो सोल्यूशन और ज़ीरो सोल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।